कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और सरकार के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक। सार्वजनिक स्थानों, साफ सफाई और सामाजिक अनुशासन की पालना को दोहराने पर दिया जोर। देश में 8,20,000 हुए कोरोना के मामले, 283,407 कोरोना के एक्टिव मरीज, अब तक 5,15,385 कोरोना मरीज ठीक। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना के ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत। कोरोना वायरस को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया पिछले 100 सालों का सबसे बड़ा स्वास्थ्य और आर्थिक संकट। बोले, वित्तीय व्यवस्था को बचाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंक ने उठाए हैं कई कदम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को किया आग्रह, कहा यूजीसी के फाइनल सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेने के फैसले पर दे दखल, छात्र हित में कोरोना काल को देखते हुए परीक्षाएं कराएं रद्द। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली सरकार के अधीन सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द की गईं, इनमें अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी शामिल, छात्रों को उनके पिछले साल के नंबरों के आधार पर प्रदान की जाएंगी डिग्रियां। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिख कहा, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूजीसी अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा को लेकर अपने फैसले पर फिर से करे विचार, कहा यूजीसी इस मुद्दे पर राज्यों को दे फैसला लेने का अधिकार। आज नहीं हो सका पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का आस्क कैप्टन कार्यक्रम के तहत पंजाब की जनता से संवाद, कोई जरूरी मीटिंग बताई गई वजह। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस के लोकसभा सांसदों से मौजूदा राजनीतिक हालातों पर की चर्चा। सूत्रों से खबर, बैठक में उठी फिर से राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग। कानपुर वाले विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद बढ़ी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फिक्र, चंडीगढ़ कोर्ट में दायर की याचिका, सता रहा है अपने एनकाउंटर का डर, बोला चंडीगढ़ पुलिस उसका करा सकती है फेक एनकाउंटर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में की हर सिर हेलमेट कार्यक्रम की शुरुआत, हेलमेट के इस्तेमाल को बताया जरूरी। हरियाणा में जारी है नौकरी से निकाले गए 1983 पीटीआई टीचर्स का धरना, अपनी मांगों को लेकर लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन, सांसदों को दिए जा रहे हैं ज्ञापन। हिमाचल में बस किराया बढ़ाए जाने पर बोले परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर, कहा अभी इस पर नहीं हुआ है कोई अंतिम फैसला, सभी के आ रहे हैं सुझाव, निजी बस ऑपरेटर्स की भी आ रही है डिमांड, प्रदेश के हित में लिया जाएगा फैसला। हिमाचल में बस का किराया बढ़ने से पहले तीखे हुए विपक्ष के तेवर, हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर बोले कोरोना काल में जनता पर लगातार बोझ डाल रही है सरकार, अगर किराया बढ़ाया गया तो प्रदेश हित में सड़क पर उतर जनता की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। हिमाचल के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया टाउन हॉल का निरीक्षण, कहा सरकार करेगी जांच। हिमाचल में सेब की स्पर किस्म ने मार्केट में की धमाकेदार एंट्री, शिमला के भट्टा कुफर फल मंडी में 4,000 रुपए प्रति पेटी तक बिका सेब। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब हरियाणा के कई हिस्सों में हुई बारिश, मौसम में आया बदलाव, लोगों को गर्मी से मिली निजात।